विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ दो समुच्चयों में अंतर, अर्थात दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जैसे मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दो समुच्चयों में अंतर या दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। या टू सेट पहले से ही हैं तो मैं मान ले रहा हूं कि माना कोई दो सेट ए और बी हैं, माना कोई दो सेट ए एंड बी है। ठीक है, जब यहां पर दो समुच्चयों का अंतर दे रखा है तो यहां पर जो कंडीशन है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या है, ए के उन मेंबर का सेट जो बी में ना हो। यहां जो कंडीशन है तो ए के उन मेंबर, ए के उन मेंबर का सेट जो बी में ना हो, अर्थात अब आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है कि माना कोई दो सेट हैं ए और बी हैं, उसमें लिखा है कि ए के उन मेंबर का, ए के उन मेंबर का सेट जो बी में ना हो। ठीक है, ए के उन अवयवों का, ए के उन मेंबरों का सेट होता है जो बी में ना हो, अर्थात इसे हम लिखेंगे, मैं जंप इस तरह से, आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, एक्स सच दैट एक्स belongs to A और X does not belongs to B। ठीक है, ये मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। सिमिलरली अगर हम B minus A लिखें तो लिखेंगे X such that X belongs to B और X does not belongs to ए। शायद आपको अब मेरी बात कुछ समझ में आ रही हो जो मैंने ये दो पॉइंट लिखे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, माना कोई दो सेट मैंने मान लिए ए और बी हैं, ए के उन मेंबर, ए के उन मेंबरों का सेट जो बी में ना हो। ठीक है, ए माइनस बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली बी माइनस ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और x does not belongs to A। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां पर कहने वाली बात यह है, जैसे A और B दो मेंबर्स हैं, दो सेट हैं, तो उनके जो मेंबर हैं, A का जो मेंबर है वो B में नहीं होना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। अब दोनों से स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए, यानी a माइनस बी कभी बराबर नहीं हो सकता b माइनस ए के। अब इसे पहले हम कुछ एग्जांपल आपको दिखा दें तब हम इसका वेन आरेख भी आपको बताएंगे। पहले हम एग्जांपल के माध्यम से आपका क्लियर करते हैं। जैसे सपोज मानिए कैपिटल एक्स, एग्जांपल एक्स बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एक्स। ठीक है, दूसरा सेट है हमारा कैपिटल वाई, इसमें मेंबर है हमारे एफ कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी कॉमा एच कॉमा और। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है, अब x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई, अब x के मेंबर और y के मेंबर दोनों को देखिए। अब x में इसमें क्या लिखा, a के उन मेंबर का सेट जो b में नहीं हो। अब b में कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए, b में हमारा, अब यहां पर तो a और b है नहीं, यहां पर जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन है वो हमारा x और y की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, y में b है हमारा, और कौन सा है, और हमारा f भी है, चलिए
और हमारा कौन सा है? डी भी है। चलिए और कौन सा है? और तो कोई नहीं। अब कौन से बचे हमारे पास? क्या लिखा है? माना कोई दो सेट ए और बी, ए के उन मेंबर का सेट जो बी में ना हो। अब बी में कौन से नहीं है? ए सी ई, यही हमारा ए सी और ई, ये हमारे मेंबर हो गए। एक्स के बे मेंबर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, चूंकि एक्स के बे मेंबर जो बाई में नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन एक और आपको दिखा दूं। वैसे आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब मैं इसका ही अपोजिट कर दे रहा हूं, बाई माइनस एक्स करते हूं। ठीक है, अब ये देखिए कि इसके वाले मेंबर इसमें कौन कौन से हैं, इसमें कौन से शेष रह जाते हैं। जस्ट फॉर्म अपोजिट हो जाएगी। यही वाली कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई हो सकती है। ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। यहां पर a माइनस बी लिखा था, अब ये लिखा है b माइनस a। मेरी बात को आप समझ में आ रहा है? अब इसमें a b d ये मिल रहे हैं, अब रह कौन से गए? g कॉमा h कॉमा k रह गया। अब यह लिख दीजिए g कॉमा h कॉमा k, ये हो गए। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि बाई के बे मेंबर, बाई के बे मेंबर जो एक्स में नहीं है। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अब मैं इसी से बेन आरे की रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉपर्टी, कंडीशन हो गई है। ठीक है, दो समुच्चयों का अंतर, माना कोई दो सेट ए और बी है, ए के वो मेंबर जो सेट बी में ना हो। ठीक है, जो सेट बी में ना हो, तो जो छूट जाते हैं, जो ये मेंबर हमने बी में मिला लिए, अब ए में जो रह गए, जो रहे मेंबर, वही हम लिख लेंगे उठा के। अब हम बेन आरे को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखना है। तो यहां लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है कंडीशन ए माइनस बी की कैसी हो, अगर यहां पर एक्स माइनस वाई है। चलिए हम x माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर x माइनस वाई के में कंडीशन हो तो किस तरीके से होगी? सबसे पहली कंडीशन, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारा समष्टि समुच्चय हो गया। अब इसमें हम प्रेजेंट करेंगे, अब देखिए ये है, मैंने इसको इससे मैच किया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई x माइनस वाई। अब ये वो मेंबर हैं, मैंने इसको मैं रेखांकित कर रहा हूं, सेडेड कर रहा हूं। तो ये सेड वाला जो वो भाग है, ये वो भाग है जो मेंबर इसमें रह गए हैं, a c e, ये वो भाग है जो रह गया है। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट मैं देख रहा हूं, इसका जस्ट अपोजिट आपको समझ में आ गया? इसका जस्ट अपोजिट मैं इसी के नीचे में बना रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने, इसका जस्ट अपोजिट u। ठीक है, अब मैं इसको देखो, अब इसमें ये सर्किल बनाया मैंने और ये सर्किल बनाया। ठीक है, अब इस सर्किल को बनाएंगे इस तरीके से खींचेंगे। अब ये वो है, ये हमारा हो जाएगा बाई माइनस एक्स। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये x माइनस वाई हो गया, ये y माइनस एक्स हो गया, ये वो दो कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है? दूसरी ये हो गई, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में समझ लीजिए एक सर्किल है। ठीक है, इसमें बैठा है हमारा कैपिटल x और एक छोटा है, इसमें बैठा है कैपिटल बाई, यानी एक्स के बे मेंबर जो बाई में तो हैं, लेकिन बाई तो इसको हम कैसे
ठीक है, इसको हम सेडेट कर देते हैं। ये सेड हमारा बाई में नहीं है, सिर्फ एक्स के ही सेकल में है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई। ठीक है, चौथी कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। चौथी कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देखो, यहाँ यू मान लेते हैं। चौथी कंडीशन है हमारी गई, सॉरी ये मैंने ए माइनस बी ले लिया, तो यहां कर दे रहा हूं ये बी माइनस, एक्स माइनस बाई की जगह मैंने बाई माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको इससे समझ में आ रहा है कुछ कि यहाँ एक्स माइनस वाई है तो सिर्फ एक्स वाला ही ब्लॉक लेंगे, या बाई माइनस एक्स है तो यही वाला ब्लॉक लेंगे, जब एक्स के मेंबर बाई में ना हो, ए के मेंबर बी में ना हो, तो ये हो गया। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर देखिए एक क्वेश्चन और ले ले रहा हूँ, फिर नहीं अभी कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से आपकी शायद प्रॉब्लम कुछ रह गई होगी, मैं यहाँ क्वेश्चन एक लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा सेट सी बराबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, क्वेश्चन निकालना यही है, काम यही करना है, अब करना कैसे है वो देखना है। देखो सबसे पहले ए की वैल्यू है, सबसे पहले मैं बी माइनस सी निकालता हूँ, बी माइनस सी 2, 3, 4, ठीक है, माइनस 3, 4, 5, 6। अब देखो मैंने क्या लिखा था, माना कोई दो सेट ए और बी हैं, ए के उन मेंबर का सेट जो बी में ना हो, अब ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, अब दो नहीं है तो दो यहां लिख लिए। ठीक है, अब लिखो a माइनस बी माइनस सी का, अब a हमारा कितना है 1, 2, 3, अब वही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होती है, तो दो तो है, अब क्या रह गया 1, 3, ये हो गया इसका आंसर। आपको समझ में आया, एक और ले लेता हूँ, इससे आप इस पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखो चलो इसी में मैं इसको एक और इसी में एक दूसरी टाइप बना देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालो a माइनस ये तो निकाल चुका इसको नहीं, a माइनस बी माइनस सी है ना, इसको निकालते हैं। ठीक, यहां b माइनस सी निकाला था, यहां हम a माइनस सी निकालते हैं। ठीक है, अब a माइनस बी कैसे निकलेगा वो देखो, सबसे पहले हम a माइनस बी को निकालते हैं, a माइनस बी, a हमारी वैल्यू 1, 2, 3, माइनस b कितना है 2, 3, 4। अब हमारे पास a के वे मेंबर जो b में ना हो, अब b में कौन कौन से, पहले ये देखो 2 और 3, a में इसमें नहीं है 1। ठीक है, अब a माइनस बी माइनस सी 1, माइनस सी कितना 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर वही है, यहाँ पर और कोई मेंबर तो है नहीं, ए के वे मेंबर जो बी में ना हो, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया मेरी बात। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या है आपकी, इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है, तो आप विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। जय जिंद, जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।